आप देख रहे हैं डीजीएनए न्यूज़, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। झागर उप स्वास्थ्य केंद्र पर आशा आंगनवाड़ी आशा सहयोगिनी एएनएम कार्यकर्ताओं को मिशन इंद्रधनुष के तहत हेड काउंटिंग सर्वे की ट्रेनिंग दी गई, जिसमें डीआई पीके शर्मा एवं बमोरी से प्रकाश सिंह रघुवंशी ने ट्रेनिंग दी। इस ट्रेनिंग में अधिकांश आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित नहीं हुई, उनको अलग से समुदाय स्वास्थ्य केंद्र बमोरी में मिशन इंद्रधनुष की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनर शर्मा ने बताया कि इस बार सभी गांवों में 100% टीकाकरण किया जाना है। इसके साथ ही हेड काउंट सर्वे पूरी तरह घर घर जाकर करना होगा। वहीं प्रकाश सिंह रघुवंशी ने हिदायत दी कि वो घर घर जाकर सर्वे को देखेंगे, अगर दीवार पर लिखा नहीं पाया गया तो उस कार्यकर्ता के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही आयरन, ORS, PCM, एडबेंडाजोल की टेबलेट बांटी गई। इसके साथ ही मौसमी बीमारियों के बारे में भी जानकारी दी गई। निसंकोच होकर बोलो, एक चीज को 10 बार बताऊंगा। उसका ठिकाना बताइए, बाहर कहाँ? अरे इंदौर रहता है कि बेंगलोर रहता है, जबलपुर रहता है? तो आप तो नाम लिखो सिटी का, ये बच्चे का नाम, ये पिता का नाम, ये जहाँ मुझे लिखा नहीं मिला। भाई जैसे अब यहाँ मैं खड़ा हूँ और मैं पूछूँ कि अरे मुझे फतेहगढ़ का रास्ता मालूम है, कुछ नहीं पड़ेगा ना? तो ये गांव में अगर लिखा है तो सब लोगों को पता है कि महीने का पहला मंगलवार या दूसरा शुक्रवार या चौथा शुक्रवार, ये सारी दीवारों पर मुझे लिखना मिलना चाहिए। और अगर लिखा नहीं मिला ना तो मैं समझूंगा कि यहाँ जो है प्रचार प्रसार नहीं है। और आशाओं को मान दे, सरकार सरकारी खजाने से इसी बात का देता है कि हम जो है पूरे में प्रचार प्रसार करें। सुन ले भाई, हम प्रचार प्रसार करें और दीवारों पे लिखें और जन जन तक पहुंचाएं। नहीं तो क्या कर, जैसे बच्चे बच गए, खेत में घर बनाया उसका, अब उसकी माँ को पता नहीं है, उसके बाप को पता नहीं है, क्या मेरे मोड़ा क्या ठीक है, है क्या समझते आप लोग? महिला बाल विकास आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पूछ रहे हैं क्या है बूस्टर का क्या मतलब होगा, बताइए आप लोग। तीन साल का है, तीन साल के अंदर में अगर वो, हाँ एक साल में, तीन का है, हाँ एक ही लगता है। पहली जांच, दूसरी जांच, तीसरी जांच और चौथी जांच, ये चार जांच इसलिए अनिवार्य है, शासन ने अब पैसा देना चालू कर दिया। अगर चार जांच अपन नहीं करा पाए तो वो सीएम हेल्पलाइन पे लगा देगा, पैसा देना ही पड़ेगा उसको। सर किस विषय पे था ये? ये था मिशन इंद्रधनुष, जिसमें है गर्भवती महिलाएं और 0 से 2 वर्ष के बच्चों को 100% टीकाकरण कराना इस शासन की मंशा है। जो छूटे हुए बच्चे थे इनको मिशन के रूप में इनका सर्वे कराकर इनका 100% टीकाकरण कराना स्वास्थ्य विभाग का दायित्व बनता है। अच्छा सर, जो अभी प्रेजेंट नहीं है कुछ लोग, हाँ, तो उनके उनको कैसे समझाइश देंगे आप? उनको दोबारा मीटिंग रखूंगा, दोबारा मीटिंग उनको बमोरी आना पड़ेगा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उनकी मीटिंग बुलाऊंगा, हाँ। नाम जर्द लेटर जारी करूंगा और जो नहीं भी आए ना उनके खिलाफ जिला कार्यालय को पत्र भी जारी करूंगा। तो सर अभी आपको ही दिख रहा है सर, आप अभी बहुत लोग प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, हाँ, तो इन पे क्या कार्रवाई होगी? सूची मंगवा रहा हूँ सुपरवाइजर के माध्यम से, सुपरवाइजर के माध्यम, हाँ, जो जिस क्षेत्र से कोई कार्यकर्ता उपस्थित नहीं हो पाए जी, वो सुपरवाइजर के माध्यम से, जैसे आशा उपस्थित नहीं है तो आशा सहयोगी के माध्यम से उसकी जानकारी लूंगा। नहीं, यहाँ पे सर आशा भी नहीं है कुछ उपस्थित, तो दूसरी बात यहाँ पे क्या है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी नहीं है अभी मौजूद, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद नहीं है, तो महिला बाल विकास विभाग को चिट्ठी, सुपरवाइजर है महोदय, सुपरवाइजर महोदय उनसे ही बात करूंगा मैं, इसके बाद में महिला बाल विकास विभाग की जिला अधिकारी महोदय से इस विषय में चर्चा करूंगा।
शिविर लगता है, जब भी इनकी आशाएं अनुपस्थित रहती हैं और टीकाकरण होता है तो ये खुद कहीं जाकर करवा देती है, आंगनबाड़ी केंद्रों पर ही होता है, उसके लिए तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं होता। मैम इसी बारे में हमने अभी आपके सामने ही क्वेश्चन किया था सर से। नहीं बहुत अच्छा किया आपने। तो उसके बाद में उनने हमें संतुष्ट जवाब नहीं दिया। हाँ। तो हमने वो चीज जो पूछी थी वो सत्य थी ना? नहीं सत्य थी, वो कहा आपने, बिल्कुल आशा का कहा ना। और दूसरी बात, इनकी आशा कार्यकर्ता भी कुछ काम नहीं करती हैं, हम भी आप लोगों के आंगनबाड़ी में, आप सुपरवाइजर हैं, आपको भी पता है, तो ये बात सच है ना? बिल्कुल सच बताया आपने। स्वास्थ्य विभाग अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाता है ना? अपन क्या कहेंगे उन लोगों के बारे में, जो उनको देखना चाहिए, उनके कोऑर्डिनेटर वगैरह जो है अधिकारी, उनको चेक करना चाहिए। और यहाँ पे अभी कुछ आपके आंगनबाड़ी कुछ आशा कार्यकर्ता दोनों मौजूद नहीं थी, तो आपके जो अंडर आता है वो आप क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं हम तो उनको पत्र देंगे, जो हमारी नहीं आई है ना जी, बहुत कम नहीं आई हमारी, 7-5 है, बाकी हमारी पूरी भरकर आई हमारे पास तो उपस्थित हुई जी। और दूसरी बात मैम, ये जो आशा कार्यकर्ता वगैरह भी नहीं आई है, तो इन पे स्वास्थ्य विभाग को क्या कार्रवाई करनी है? वो करें उनके हिसाब से, भैया अपन थोड़ी कर सकते हैं। जागर से हमारे सहयोगी जालम किरार की रिपोर्ट। बीएलओ संघ कर्मचारी अध्यापक संघ द्वारा स्थानांतरित अनुविभागीय अधिकारी को विदाई दी गई एवं नए अनुविभागीय अधिकारी का स्वागत किया गया। आरोन से गुना स्थानांतरित हुए अनुविभागीय अधिकारी अरविंद वाजपेयी को विदाई दी गई एवं नए अनुविभागीय अधिकारी के एल यादव का आगमन एवं स्वागत किया गया। दोनों अधिकारी को शाल सीपल साफा बांध कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नगर के गणमान्य नागरिक एवं पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। आरोन के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय प्रमोद रघुवंशी जी की कृपया पधारें। आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। आरोन में सांप के काटने से हुई एक महिला की मौत। सियाराम आश्रम के पास रहने वाले रामेश्वर बैरागी की पत्नी मानबाई बैरागी को सांप ने काट लिया, इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मानबाई के बेटे द्वारा बताया गया कि उसकी मम्मी सुबह 10 बजे खेत पर गई थी, वहां वह सोयाबीन की निदाई का कार्य कर रही थी, निदाई करते समय उसके हाथ पर सांप ने काट लिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अपने खाने क्या कर रहे थे? नींद में गई थी। नींद में गई थी, क्या मक्का या सोयाबीन भी नींद आते? कब की बात है? 10:30-11 बजे की। आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश तेलिक साहू समाज जिला गुना का जिला अध्यक्ष पद का निर्वाचन प्रादेशिक पर्यवेक्षक रमेश साहू तथा जिला निर्वाचन अधिकारी रामगोपाल साहू के सानिध्य में केशव कोल्ड स्टोरेज मावन में संपन्न हुआ। चुनाव में 3 उम्मीदवारों द्वारा उम्मीदवारी जताई गई, लेकिन आपसी बातचीत के बाद विजय कुमार साहू राधोगढ़ को निर्विरोध जिला अध्यक्ष चुना गया। इस दौरान जिले की सभी तहसीलों के सदस्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। सावन के सोमवार पर मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है, यही कारण है कि इस माह में शिव भक्त भक्ति एवं ऊर्जा का संचार हो जाता है। शिव की भक्ति में भक्त झूमते हुए नजर आते हैं। 28 जुलाई से सावन का पावन महीना शुरू हो गया है। आज सावन का पहला सोमवार था, जिसको लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिला। मंदिरों में भजन कीर्तन और पूजा अर्चना भी शुरू हो गई है। इस मौके पर आने वाले श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को मद्देनजर रखते हुए मंदिरों में व्यापक तैयारियां की गई हैं। Thank you.
खारोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। श्रावण के पहले सोमवार को आज बाबा महाकाल की पालकी शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई गुजरी। प्रत्येक वर्ष श्रावण के सोमवार में बाबा श्री महाकाल शहर भ्रमण करते हैं। इस कड़ी में आज बाबा की पालकी शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई निकाली गई, जिसमें सभी धर्मप्रेमी बंधुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। RTO विभाग के द्वारा आज एक अनूठी पहल शुरू की गई, जिसमें दिव्यांग लोगों को काफी मदद मिलेगी। RTO प्रभारी दीपक मांझी ने बताया कि दिव्यांग लोगों के लिए अलग से कार्ड बनवाए गए हैं, जिसमें उन्हें सफर करते समय उचित सुविधाएं एवं किराए में सुविधा मिलेगी। इस कैंप के माध्यम से आज अनेक दिव्यांग लोगों को RTO के कार्यालय के पास वितरित किए गए। इसमें महत्वपूर्ण शर्त ये थी कि दिव्यांग व्यक्ति को कम से कम 40% तक दिव्यांग होना अनिवार्य है। हम दिव्यांग सेवा संस्थान की तरफ से सभी जिले के सभी तहसीलों से दिव्यांग बहन बंधु आए हैं, जो बस प्राइवेट बसों पे 50% किराया लगने के लिए प्रमाण पत्र और पास बनवाने चलते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मलखान सिंह यादव है। क्या हो आप? मैं अध्यक्ष हूँ जिला अध्यक्ष। किसका जी? विकलांग संस्था दिव्यांग सेवा संस्थान गुना। अच्छा अच्छा जी, तो इससे क्या लाभ होगा आपको? इससे 50% किराया लगेगा बसों में, प्राइवेट बसों में। हाँ, दिव्यांगजनों के लिए शासकीय अधिसूचना शासन की जारी हुई है, जिसमें कि जो भी प्रक्रम वाहन होते हैं, प्रक्रम वाहनों का मतलब यात्री बस, उसमें उनको 50% की किराए में छूट रहती है। तो उसके लिए इन लोगों को पास जारी करने के लिए आज कैंप आयोजन किया गया है। तो जितने भी लोग आवेदन आ रहे हैं, उनमें उनका पास बनवा कर उनको वितरित किया जाए, ताकि उनको प्रक्रम बसों में उनको 50% की रियायत दर पर या किराया लगे। इसमें विकलांगता का भी कोई किरदार दिया है? हाँ, इसमें ये है कि जो दिव्यांग है व्यक्ति, उसको 40% तक दिव्यांग होना चाहिए। 40% से कम दिव्यांग लोगों को ये सुविधा नहीं है। प्रदेश व्यापी हड़ताल के चलते जिले भर के किसान हो रहे परेशान। मंडी में तुलाई न होने के चलते एवं प्रदेश व्यापी हड़ताल के चलते दूर दराज से आए किसानों को अपना सा मुंह लेकर वापस लौटना पड़ रहा है। कई किसान तो ऐसे हैं जो 100 किलोमीटर दूर से तक आए थे, लेकिन उन्हें वापस जाने को मजबूर होना पड़ा। इसके साथ ही मंडी में इन किसानों को रुकने भी नहीं दिया गया। किसानों ने आग्रह किया कि उनके ट्रैक्टर को टीन शेड के नीचे लगवा दिए जाए, ताकि बारिश से उनकी फसल बची रहे। इसके बावजूद भी किसानों को मंडी प्रांगण के अंदर तक नहीं जाने दिया गया। मजबूरी बस किसानों को अपनी फसल लेकर वापस जाना पड़ा। समझ से परे है, कहां तो एक और राज्य सरकार किसानों के हितों की बात करती है, लेकिन न जाने क्यों सिर्फ बातें ही रह जाती हैं। Thank you.
कितने किलोमीटर है गुना से? 40-45 किलोमीटर। तो आप मंडी में आए, मंडी में क्या आपको मिला सूचना? नहीं, गेट लग रहा है साहब, मंडी को मना कर रहा है, मंडी होने रही। इसकी सूचना नहीं थी आपके पास? नहीं, कोई सूचना नहीं। कोई सूचना नहीं है? सूचना होगी आज के साथ। अब आपका इसमें आने जाने में कितना नुकसान हुआ है? कितने रुपये का नुकसान हो गया? 13 लाख रुपये का डीजल भरेगा। अब ये आपको अनाज भी वापस ले जाने पड़ रहा है? जाना ही है मंडी आके। कुछ नहीं मिला साहब, अंदर भी नहीं जाने दे रहे उसमें, तो हमारा अनाज भी अगर पानी बरस गया तो भीग जाएगा। हम बोल रहे हैं कि टीन के नीचे लगा लें तो मंडी होगी जब हो जाएगी, लेकिन वो भी मैंने कर रहे हैं कि अंदर भी नहीं लगाने दे रहे। हम कम से कम 65 किलोमीटर दूर से आए, 2-3 हज़ार रुपये का डीजल भरता है। अच्छा, तो मतलब आपको वापस लेके जाना ही पड़ेगा? वापस लेके जाना पड़ेगा साहब, दवाई का सीजन है और बहुत नुकसान है हमारा, तो जब दवाई खाद चाहिए रहा है, क्या कुछ करें, यहाँ पे बैठ गए और क्या कर सकते। व्यापारियों के चक्कर अंदर जा रहे हैं व्यापारी, कुछ खट्टे से अंदर शटर लगा के भी माल खरीद रहे हैं। अच्छा, लेकिन हमारा डाला है, हम थोड़ी अंदर लगा सकते हैं, हमारे सामने खरीदा है। आज जो व्यापारियों ने तोलाई का काम चल रहा था, वो तोलाई के विरोध में यहाँ पे व्यापारियों ने तोलने का काम बंद कर रखा है। अच्छा, और जो किसान अपना अनाज रखे हुए थे वो यहाँ आ रहे हैं तो तोल नहीं हो पा रही, इसलिए वापस जा रहे हैं। हड़ताल इन लोगों ने की है। तो सर, इसमें कोई किसान लोग उधम भी कर रहे थे क्या कुछ? नहीं, किसानों ने ऐसा कोई उधम नहीं किया, केवल उनको जानकारी जैसे ही मिली कि यहाँ व्यापारियों ने तोल बंद कर रखी तो वापस जा रहे हैं, ऐसा कोई उधम वगैरह नहीं हुआ है। किसानों के लिए यथार्थ में कुछ नहीं होता। साई क्रिकेट एकेडमी द्वारा नेट गेट का शुभारंभ किया गया, जिसके चलते आने वाले समय में खिलाड़ियों को नेट प्रैक्टिस करने के लिए सुविधाएं मिल सकेंगी। 7-8-6-9-3 साई क्रिकेट एकेडमी के तत्वावधान में क्रिकेट नेट्स का ओपनिंग किया गया, जिसमें सभी वरिष्ठ खिलाड़ी और पूरे बच्चे हिस्सा लिया। कल से 4 बजे से और सुबह 6:30 से प्रैक्टिस चालू है। गलती से ही सही पर खिलाड़ियों का ग्राउंड तो साफ हो ही गया। विगत दिनों हुए मुख्यमंत्री की सभा के बाद संजय स्टेडियम में हालत बहुत ही बेहाल थे, जिसके चलते खिलाड़ी यहां पर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे। वहीं आज एक छोटी सी गलती के चलते स्टेडियम साफ हो गया। सभी खिलाड़ियों में हर्ष का माहौल था, लेकिन जैसे ही सफाई चल रही थी अचानक गाड़ी चालक को पता चला कि उसने गलत जगह सफाई कर दी है, तो वह आधे में ही काम छोड़कर वहां से चला गया। हुआ यूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी खेल प्रसाद के बगल में छात्रावास में आगामी दिनों में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाना है, जिसके चलते गाड़ी चालक को उस जगह की सफाई करने के लिए भेजा गया था, लेकिन ड्राइवर की गलती थी या खिलाड़ियों की दुआएं, ड्राइवर ने अपनी गाड़ी लेकर संजय स्टेडियम की सफाई कर दी। पहले तो सभी खिलाड़ी मन ही मन जिलाधीश महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करने लगे, पर जैसे ही पता चला कि ये सब अनजाने में हुआ है तो सभी खिलाड़ी एक दूसरे का मुंह देखकर हंसते रहे। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में लिपिक वर्गीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। आज हड़ताल का पांचवा दिन था, जिसके चलते आज मशाल जुलूस का आयोजन रखा गया है, जो कि शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए धरना स्थल पर वापस पहुंच जाएगी। वहीं इन कर्मचारियों का धरना स्थल भी परिवर्तित कर दिया गया है। पुराने कलेक्ट्रेट के पास में चल रहा इनका धरना प्रदर्शन में लाउड स्पीकर लगाने की परमिशन नहीं थी, जिसके चलते आज इन्हें पुराने टाउन हॉल के सामने धरना स्थल बना लिया। अभी 7-2018 से गुना में निरंतर मध्य प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संगठन द्वारा निरंतर हड़ताल जारी है। आज हड़ताल का पांचवा दिन है और आज शाम को
सात बजे से मशाल जुलूस रैली का आयोजन रखा है, जो यहाँ से धरना स्थल से प्रारंभ होकर हनुमान चौराहे, हाट रोड, सदर बाजार, लक्ष्मीगंज, ज्येष्ठम चौराहे होते हुए धरना स्थल पर ही समाप्त होगा। आपका स्थान चेंज कैसे हुआ जी? लाउड स्पीकर की परमिशन नहीं मिल पा रही, न्यायालय बगल में, न्यायालय पास में। शहर के युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम लिखा पत्र। युवाओं का कहना है कि एक तरफ तो मोदी पूरे देश को डिजिटल इंडिया बना देना चाहते हैं, वहीं बैंकों का भी सारा काम डिजिटल तरीके से करने की बात करते हैं, लेकिन किसान जिन्हें मोबाइल तक चलाना नहीं आता, वह डिजिटल इंडिया में कैसे भाग ले सकते हैं या कैसे बना सकते हैं? इसी के साथ ही स्टेट बैंक की मशीन अक्सर खराब पड़ी रहती है, वहीं पासबुक प्रिंटर भी लगभग बंद ही रहता है, एटीएम भी कई बार खराब मिलते हैं, उनमें पैसा नहीं होता। इन सभी मुद्दों को लेकर युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक पत्र लिखा। पत्र को खोल लो, दो जाने तुम और आयुष आ जाओ। आयुष तुम भी पकड़ लो एक कागज, अब वो प्रतिमा नहीं दिखाएगी, रुको हाथ डालो, रेंद तुम रेंद, हाँ बस बस वो नीचे करो थोड़ा सा, बस दिख रही है, दिख रही है। मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि गुना में बैंकों द्वारा कितनी परेशानियाँ आ रही हैं। आपने माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना यह है कि टैक्स भरो, सब डिजिटल इंडिया बने, लेकिन कैसे होगा ये सब? क्योंकि गुना एक किसान क्षेत्र है, डिजिटल इंडिया तो छोड़िए, उन्हें मोबाइल भी चलाना नहीं आता, वो कैसे करेंगे ऑनलाइन बैंकिंग और सब? और बैंकों में जाओ तो लाइन लगी रहती पासबुक चढ़वाने, कई बैंकों में तो प्रिंटर ख़राब है पासबुक के, इसलिए इस विषय को लेकर हमने मोदी जी को पत्र लिखा। राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह आज पहुंचे जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय, वहां जिलाधीश से मुलाकात भी की, जिसके बाद उन्होंने चलते चलते ही पत्रकारों से बात करते हुए उनके सवालों के जवाब भी दिए। सबसे पहले उन्होंने सभी नगर वासियों को श्रावण मास की शुभकामनाएं भी दी। वहीं एक सवाल जो उनसे पूछा गया कि क्या कमलनाथ इस बार कांग्रेस का चेहरा होंगे, तो इस पर जयवर्धन सिंह बोले कि यह पार्टी हाईकमान तय करेगा और पार्टी हाईकमान का फैसला सभी को मंजूर होगा। वहीं कांग्रेस नेता बावरिया के साथ हुई धक्का मुक्की पर गृहमंत्री के बयान में उन्होंने सुरक्षा की बात की थी, उस पर जयवर्धन सिंह बोले कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध वाला प्रदेश व सबसे ज्यादा बलात्कार की घटना वाला प्रदेश बन गया है। साथ ही जयवर्धन सिंह ने गृह मंत्री को नसीहत दे दी कि वे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर राजनीति करने से अच्छा है कि प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाएं। ये कि ये भगवान का अपमान जी, सबसे पहले सावन के पहले सोमवार के लिए मैं हमारे सभी दर्शकों को शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा सबसे अनुरोध है, भाजपा से अनुरोध है कि जब वो हर हर मोदी घर घर मोदी के बारे में एक बात कहते थे तब कोई आपत्ति नहीं थी, और क्योंकि सावन का महीना है उसी के मन में रखे कोई नारा कहा गया है। कमलनाथ जी हमारे नेता हैं, हमारे कांग्रेस के मध्य प्रदेश में अध्यक्ष हैं और हम सब उनके साथ खड़े हैं। कमलनाथ जी को फेस बनाएंगे क्या ऐसे? देखिए, जहाँ तक फेस का सवाल है, ऑलरेडी पार्टी ने घोषणा कर दी है कमलनाथ जी अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, तो एक प्रकार से फेस है। साथ में सिंधिया जी 50 समिति के अध्यक्ष हैं, तो वो भी युवा चेहरे। अच्छा, अभी हाल ही में दीपक बावरिया जी की धक्का मुक्की को लेकर गृहमंत्री ने सुरक्षा की मांग की, आप जी लोग कर रहे हैं, तो आप इसे क्या मानते हैं? जी, उसमें हमारी एक ही मांग रही कि सबसे पहले गृहमंत्री जी महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दें, क्योंकि अगर पूरे मध्य प्रदेश में, अगर पूरे देश में सबसे अधिक बलात्कार कहीं भी हुए हैं तो मध्य प्रदेश में हुए हैं, अगर सबसे ज़्यादा अपराध महिलाओं के खिलाफ हुए हैं तो मध्य प्रदेश में हुए हैं। इसीलिए मेरा विनम्र आग्रह रहेगा गृह मंत्री जी से कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति ना करें और जो महिलाओं की रक्षा करनी चाहिए शासन को, उस पर ध्यान दें। हज
पर जाने वाले यात्रियों का किया गया सम्मान। आज दोपहर नई सड़क स्थित न्यू मार्केट पर शहर भर से हज यात्रा पर जाने वाले हाजियों का सम्मान किया गया। उक्त सम्मान समारोह ख्वाजा गरीब नवाज जलसा कमेटी के तत्वाधान में आयोजित किया गया, जिसमें सर्वप्रथम सभी हज यात्रियों को फूल माला पहनाकर स्वागत सत्कार किया गया। तत्पश्चात शाही जामा मस्जिद के पेश इमाम साहब द्वारा हाजियों को हज दौरान अदा किए जाने वाले अरकानों के बारे में तफ्तीश से बताया गया। उक्त कार्यक्रम में ख्वाजा गरीब नवाज जलसा कमेटी की ओर से रईस खान न्यू मार्केट, आसिफ खान स्टार एम्पोरियम, बंटी खान, सलमान भाई, जाकिर भाई, परवेज भाई, आसिफ भाई, अल्ताफ ठेकेदार, गुल मोहम्मद, हनीफ खान सहित बड़ी संख्या में युवा जन उपस्थित रहे। जाकिर भाई और तमाम आठ दस लोग हजरात की जानिब से एक प्रोग्राम रखा गया। आप हजरात से दुआ है कि आप वहाँ पर जाके हमारे हक में भी दुआ करें और गुना शहर के लिए भी अमन और सारी दुनिया के लिए दुआ करें। और आप लोग यहाँ पर आए हमारे बुलावे की दावत पर हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। जानब से हमारे ख्वाजा गरीब नवाज जलसा कमेटी का बहुत शुक्रगुजार है। आप लोगों ने हम उजाल इकराम का जो इस्तकबाल किया, इंशाल्लाह आप भी हम सबको दुआ में याद रखें और इंशाल्लाह तबारक ताला वहाँ पर भी अल्लाह के घर में रसूल के घर में हम आप सबको याद रखेंगे। अगर उजाल इकराम के आने जाने में हमें भी कुछ तकलीफ हुई हो तो ये मैं माजरत चाहता हूँ। सलाम अलैकुम। कल देर रात शहर के मुख्य मार्गों की सफाई कराई गई, जिसमें अधिकांश कार्य करने वाली महिलाएं थीं। नगर पालिका द्वारा किए जा रहे सफाई कार्य में महिलाओं की सुरक्षा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया। शहर के मुख्य मार्ग से रात के समय नो एंट्री हट जाती है, वहीं छोटे बड़े वाहन भी यहां तेज गति में निकल रहे थे। साथ ही रात के समय में अधिकतर शराब के सेवन करके लोग गाड़ियां चलाते हैं। इन सब में यदि कोई हादसा घटित हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? यदि महिलाओं से रात में कार्य कराया जा रहा था तो उन्हें सुरक्षा जैकेट जिस पर रेडियम की पट्टी लगी होती है वह क्यों नहीं पहनाई गई? जब इन बातों की जानकारी हमने वहां पर कार्य करवा रहे राम कुमार से करना चाहिए तो पहले तो वह कैमरे के आगे से भागते हुए नजर आए, लेकिन फिर रुककर उन्होंने हमें जवाब दिया और बताया कि सारी सुरक्षा जैकेट उनके पास हैं, लेकिन किसी ने पहनी नहीं। यह एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सुरक्षा जैकेट घर पर या ऑफिस में रखने के लिए होती हैं, या उनका उपयोग किसी कार या दुर्घटना से बचाया जाए इसके लिए होती हैं। भैया क्या नाम है आपका? आप भैया एक मिनट मेरी बात का जवाब तो दे दीजिए। ये महिलाएं यहाँ पे कार्य कर रही हैं रोड के ऊपर, इनके पास कोई ऐसी जैकेट नहीं है जिसपे रेडियम वगैरह हो या कोई इनकी सुरक्षा के लिए, तो किस किस हिसाब से काम कराया जा रहा है? इनके साथ अगर कोई दुर्घटना या घट जाती है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उसके? नहीं, अभी यहाँ पे लगभग 10-12 महिलाएं काम कर रही हैं, इनमें से किसी के पास भी ये कोई जैकेट पहने हुए मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं। सामने से वाहन भी आ रहे हैं आप देख सकते हैं, और यदि ऐसे में कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है तो कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। ऐसा क्या है, हम साइड से करा रहे हैं और वो जैकेट भी क्या है आ रही है साइड। अच्छा, कौन सी कंपनी के उसमें, ये नगर पालिका के उसमें हो रहा है या कोई? डीजीएनए न्यूज़ में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।